What is your take on technology and how is it going to help you survive in the industry? I think this is a good question. Who should be our next guest? Yaar, agla guest kaun hona chahiye mera? So Smart is one of the biggest associations in Mumbai for the realtors. What is this? मेरे जो गेस्ट हैं ही इज़ अ बिग नेम यार. शुड आई बी डूइंग हिज इंटरव्यू नाउ और शुड आई डू इट लेटर? द मोर आई थिंक अबाउट दिस द मोर आई एम कन्विंस्ड. आई थिंक प्रमोद व्यास. यस, प्रमोद व्यास जी ये फिर आ गए यहाँ पे. द प्रेसिडेंट फॉर स्मार्ट साउथ मेट्रो सिटी एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स. यस, ही हैज़ टू बी आवर नेक्स्ट गेस्ट. Pramod Vyas ji, what a person, what a personality. Itna experience and so much insight. I think let's go for it. हम बस क्लाइंट आया, उठाया फोन. सर कितनी रिक्वायरमेंट है? हाँ सर ये है. ठीक है सर, आ जाइए मैं दिखा देता हूँ कल आपको. राइट, सो वो टाइम गए आप. राइट, आप क्लाइंट को उठा के ले गए, साइट पे गए, ट्रांजेक्शन हो गया, आपको ब्रोकरेज आ गया, बात खत्म. अब तो इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है ऑनलाइन. ट्रू. अब आप ब्रोकर ब्रोकरेज कैसे लोगे उससे ये बताओ, और वो कस्टमर आपको ब्रोकरेज क्यों दे? पहले तो ये क्वेश्चन है. सबसे पहले क्यों दे आपको वो ब्रोकरेज? क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है उसको. डेवलपर की इन्वेंट्री, मार्केट की इन्वेंट्री, सारे पोर्टल डाल रहे हैं डायरेक्ट उसको. लास्ट सेल कितने में हुई वो पोर्टल आपको बता रहे हैं. तो आपको क्यों दे ब्रोकरेज? ये ब्रोकर को सोचना पड़ेगा. राइट, कि वो कस्टमर मुझे ब्रोकरेज क्यों पे करे. करेक्ट. जब भी आप किसी इंडस्ट्री में एकदम नए आए होते हैं तो आपको एक हल्का सा डर होता है कि भाई मैं सबसे बना के रखूं, आई डोंट वांट टू रुइन माय पोजीशन. बट व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप 14-15 साल का हैवी एक्सपीरियंस लेके बैठे किसी इंडस्ट्री में, देन यू हैव यू नो माइग्रेटेड टू अ हायर लेवल. आप एक ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे आपको ये सब डर नहीं होता है, जहां पे आपको कोई चीज का संकोच नहीं होता है, जहां आप खुल के उन पेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ सकता है. तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज वन ऑफ सच पीपल जिनको जिनकी बातों से, जिनकी आंखों से उनका एक्सपीरियंस क्लियर दिखता है. ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्मार्ट. व्हाट इज स्मार्ट? साउथ मुंबई एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स. एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट बॉडी एट NAR इंडिया नेशनल लेवल. प्लीज हेल्प मी वेलकम प्रमोद व्यास जी. प्रमोद जी, हेलो शुभम, वेलकम सो मच टू आवर शो. मैं पहली फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ, ये टॉक शो नहीं है, दिस इज द नॉन टॉक शो, दैट इज हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ. हम यहाँ पे सिर्फ बातें करेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर्स ऐसा इंटरव्यू नहीं है. राइट, सो आई वुड वांट यू टू प्लीज फील फ्री, प्लीज फील रिलैक्स्ड, हम यहाँ पे सिर्फ एक बात करने आए हैं. राइट, तो हैविंग सेड दैट, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू. कि एक ये ना एक अनसेड सा वॉर जैसा है mandates companies के बीच में और ये brokers के बीच में, तो ये क्या है? Can you shed some light on this? Can you shed some clarity? Thank you शुभम, मुझे invite करने के लिए. It's और मैं अपना personal experience share करूंगा. जी. हो सकता है सबको help करे और हो सकता है कहीं मेरी बात गलत भी हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ. तो मैं सभी से यही request करूंगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो पहले मुझे क्षमा कर देना, मेहरबानी करके मुझे माफ कर देना. लेकिन मैं अपना जो भी है वो कहूंगा, दिल से कह रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और जो मुझे अच्छा लगा वो मैं कह रहा हूँ. तो शुभम, आपने बात किया मैंडेट एजेंसी का. मैंडेट एजेंसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अगर वो एथिकली बिजनेस करती है. ओके. हमें प्रॉब्लम उन एजेंसियों से है जो एग्रेसिव मल्टी प्रोजेक्ट मार्केटिंग लेके आती है. ओके. और उनके कोई एथिक्स नहीं है, मतलब they are not following ethics, they are just okay. behind the numbers. Okay. Maybe there were some another problems, I can say that. या फिर मैं ये कहूंगा कि हो सकता है उनके ऊपर जो फंडिंग होती है उनके पीछे, जहां से भी फंडिंग होती है उसका प्रेशर होता है कि उनको नंबर्स देना होता है. पॉसिबली कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा वो जो एग्रेसिव एजेंसियां हैं उन्हें थोड़ा सा मार्केट के अंदर उनको ढंग से आना पड़ेगा. Okay. क्योंकि उससे लोकल ब्रोकर जो इंडिविजुअल ब्रोकर है वो काफी नाराज है. ओके ओके. क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनका डेटा लीकेज हो रहा है. ओके.
डेटा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर उनके, तीसरा उन्हें ये लगता है कि मेरा क्लाइंट मेरे हाथ से नहीं चला जाए। ओके ओके, अगर ये सब उनको उनको अगर ये सब बिजनेस मार्केट में रहना है, क्योंकि ये मैं तय मैं 100% बोलूंगा शुभम कि कोई भी मार्केट मैंडेट मार्केटिंग एजेंसी ले लो कितनी भी बड़ी हो, वो लैंड तो इंडिविजुअल लोकल ब्रोकर के यही करती है आके, उनको उनके बिना बिजनेस होना ही नहीं है, ये भले ये लिख के ले ले भले ही वो मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी इतने टाइम से देख रहा हूँ वो कुछ भी करे कहीं से भी मैंडेट ले, लेकिन उनको लैंड तो हमारे जैसे इंडिविजुअल ब्रोकर्स जो ग्रास रूट पे जुड़ा हुआ है उनसे कनेक्ट होना ही है, लेकिन उनके साथ अगर वो फ्रेंडली नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी माइल्ड फ्रेंडली है और अनफ्रेंडली है, मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ब्रोकर्स आई एम से मोस्ट ऑफ द दे डोंट वांट टू डील विद द मल्टी प्रोजेक्ट मार्केटिंग एजेंसी और मे बी सम अदर एजेंसीज। बट आई विल कट यू हियर टू अंडरस्टैंड दिस मल्टी प्रोजेक्ट मार्केटिंग जो आप बोल रहे हैं, व्हाट डज दैट सिंबलाइज, हाउ इज इट एक्चुअली अफेक्टिंग द लोकल ब्रोकर्स, मतलब इससे कहां परेशानी है एग्जैक्टली, अगर हम एक पॉइंट पकड़े पेन पॉइंट पकड़े कि यहाँ पे दिक्कत है। सर एक्चुअली मैं आपको बोलूं कि उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, सबसे पहले जो क्लाइंट एक लोकल ब्रोकर जो 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 लेके जाता है उनके पास, एक तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ओके, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं उसके और इसके बीच में, कि क्योंकि आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि अब टाइम आ गया है कि एक डेवलपर और सीपी क्या वो कह दूं कि लोकल ब्रोकर के बीच में एक स्टैंडर्ड एसओपी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समय जो आ रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है, अब वर्बली वर्चुअली कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो जो भी नई जनरेशन आ रही है, जो जो क्वालिफाइड जनरेशन इस बिजनेस में एंटर कर रही थी, पहले तो कोई भी आ सकता था, आज भी आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा ये, अब जो भी आएगा इसके अंदर ही मस्ट बी ए क्वालिफाइड, ही मस्ट बी ए टैक्स सेवी, अदरवाइज उसके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं यही हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अब एक डॉक्यूमेंट हो उनके बीच में कि एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉलो करें कि भाई आप हमारे साथ ये करेंगे हम आपके साथ ऐसे करेंगे। अगर वो दोनों होगा तो मेरे ख्याल से उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना बॉस तो आदमी अननोन के साथ भी रिलेशन बना लेता है। बिल्कुल, बट दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि कोई भी मैंडेट अगर ले रहा है तो व्हेन ऑब्वियसली बहुत सारे सीपीएस को ऑनबोर्ड करते हैं, बट जो आपके कुछ सेट होते हैं जिनसे आपको पता है कि आपको बिजनेस आने वाला है 10, 20, 50, 100 इन अ नॉर्मल कंडीशन आई वुड अज्यूम, और रादर मेक एन एजुकेटेड गेस केयर, एक डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही होगा, बट दिस इज अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन की कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं आप कह रहे। सर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, वो फॉर्म भी भराया जाता है, एक फॉर्म ये होता है कि भाई क्लाइंट विजिट फॉर्म, बट उसके अंदर ना तो मेरा टैगिंग पीरियड मेंशन है, ना मेरा उसके अंदर मुझे कितना ब्रोकरेज मिलने वाला है वो मेंशन है, वो भी नहीं है, वो भी मेंशन नहीं है। अगर इन केस कल कुछ हो गया कितने टाइम के लिए रहेगा आप क्लाइंट के साथ, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका क्लाइंट ऐसा रहेगा, तो कुछ भी, इन शॉर्ट ये कहूंगा कि टाइम इज कम टू डू द डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन डेवलपर मैंडेट एजेंसी and the channel partners. And channel partners. Makes sense. मैं नहीं कहता कि सारी मेंडेट एजेंसियां ऐसा कर रही है, नहीं, लेकिन अभी जो कुछ नई एजेंसी आ रही है मेंडेट, जो कुछ लोकल ब्रोकर्स थे, या तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है लोगों, दो तीन ब्रोकर्स ने मिलकर कंपनी बनाई है, वो कुछ ज्यादा बेहतर कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि और मैं भी उन मेरे अपने ब्रोकर फ्रेंड्स को कहना चाहूंगा एक्चुअली कि आप भी यूनाइटेड हुई है, अपने दो तीन जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके कंपनी बनाइए और कोशिश करिए, डेवलपर के पास जाइए, उनको कहिए कि सर हमें भी मैंडेट दीजिए, क्योंकि जो आप बेहतर कर सकते हो ना वो फंडिंग मार्केटिंग एजेंसियां नहीं कर सकती, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर हो, आपको सब पता है, आपको सब ये पता है कि क्लाइंट के साथ कैसे क्या करना है, कौन क्या होना चाहिए, लेकिन आई थिंक एग्रेसिव इज नॉट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत बहुत विश्वास का बिजनेस है, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, रियल एस्टेट एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, हम ये समझते हैं कि बस बिजनेस आ रहा है, लीड्स आ रही हैं, हम काम कर रहे हैं, सर लीड्स आने से बिजनेस नहीं होता है, ठीक है लीड जनरेट हो गई, आपने डेटा कॉलिंग से ले लिया, कहीं से भी कुछ ले लिया, सब आ गया आपके पास, क्लोजिंग कैसे करोगे?
करेक्ट, क्लोजिंग के लिए आपको वो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो आपको एक रियल एस्टेट से ही आता है, और जब तक आप उस रियल एस्टेट को नहीं सीखोगे बस मुझे नहीं लगता है शुभम वेरी वेल प्रमोद जी, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। मैं इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने ऑलरेडी मेंशन कर लिया उसको, मैं यही पूछना चाहता था कि पहला तो मैं ये समझना चाहता था कि अगर मैंडेट कंपनीज की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रेमेडी क्या हो सकता है। यू ऑलरेडी सेड कि यार गेट द डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस व्हिच मेक्स सेंस, ठीक है, दैट विल क्लियर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन हम कई बार लीड जनरेशन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट यू नो जितने भी डिजिटल एजेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम ऐसे लीड जनरेशन करके देंगे, ये ब्रांडिंग करेंगे, ये कम्युनिकेशन रखेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली जो सेल्स करना है वो तो चैनल पार्टनर को अपनी टीम के साथ ब्रोकर्स को बैठ के ही करना है, तो उनके लिए व्हाट टिप्स और हैक्स और ट्रिक्स वुड यू से यार ये एक स्टेप प्रोसेस है, एक एसओपी है, ऐसा बेसिक एक फॉर्मूला है जो आप फॉलो करें तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि हायर यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट्स। बेसिकली उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आइदर आप योर कस्टमर, आइदर यूर वर्किंग विद डेवलपर और मार्केटिंग एजेंसीज, डॉक्यूमेंट्स करिए उनके साथ कन्वर्सेशन, आपकी कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स होनी जरूरी है। राइट राइट, आप डॉक्यूमेंट्स में कैसे कि आपके पास अगर क्लाइंट्स है तो क्लाइंट्स के साथ पहले कन्वर्सेशन करिए, उसको आप कन्वर्सेशन को डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको, हमारे ब्रोकर्स कम्युनिटी की, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई गलत नहीं, हमें पता है ना हमारी वीकनेस जी, हम डॉक्यूमेंट कुछ नहीं करते, हम बस क्लाइंट आया उठाया फोन, सर कितनी रिक्वायरमेंट है, हाँ सर ये है, ठीक है सर आधे मैं दिखा देता हूँ कल आपको, राइट, वो टाइम गया, राइट, वो टाइम गया, Right. आप क्लाइंट को उठा के ले गए, साइट पे गए, ट्रांजेक्शन हो गया, आपको ब्रोकरेज आ गया, बात खत्म। Right. अब तो इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है ऑनलाइन, अब आप ब्रोकर ब्रोकरेज कैसे लोगे उससे ये बताओ, और वो कस्टमर आपको ब्रोकरेज क्यों दे, पहले Right. तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले, क्यों दे आपको वो ब्रोकरेज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है उसको, डेवलपर की इन्वेंट्री, मार्केट की इन्वेंट्री, सारे पोर्टल डाल रहे हैं डायरेक्ट उसको, लास्ट सेल कितने में हुई वो पोर्टल आपको बता रहे हैं, तो आपको क्यों दे ब्रोकरेज, ये ब्रोकर को सोचना पड़ेगा Right. कि वो कस्टमर मुझे ब्रोकरेज क्यों पे करे, करेक्ट, क्यों पे करे जब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको क्यों हायर कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो मुझे क्यों हायर कर रहा है, वो मुझसे चाहता क्या है, Right. कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन फिर भी उसको मेरी मदद चाहिए, Right. क्यों चाहिए भाई, करेक्ट, ये आप सोचो कि आपको क्यों चाहिए उसकी, उसको मदद आपकी, Right. ये सोचना पड़ेगा आपको, और जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कस्टमर आपके साथ नहीं रहेगा। तो प्रमोद जी इसका व्हाट वुड बी द रेमेडी, इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, कि क्या सोच, जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपने ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, सोचना शुरुआत है, जब तक आप बैठ के सोचेंगे नहीं इस बारे में तब तक आप कहीं ग्रो नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग इन अ डायरेक्शन, वो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, उसके लिए आपको अपने आप को एक तो अपडेट करना पड़ेगा, राइट, आपको अपडेट मीन्स आपको टैक्स भी होना पड़ेगा, Right. उससे आपको कार्ड, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, करेक्ट, अब फिजिकल पॉसिबल नहीं है, Right. तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, ये इन्फॉर्मेशन हैं, अपने आप को गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है, रेरा के रूल्स आते हैं, वो Right. आते हैं, Right. मैं आपको बोलूं हम होमवर्क ही नहीं करते, ज्यादातर प्रॉब्लम अगर 65% में अगर देखूं तो हम होमवर्क करते ही नहीं है, Right. और जो होमवर्क कर रहे हैं उन्हें कोई कंप्लेन नहीं है, ओके, राइट, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है कि होमवर्क करना, अब होमवर्क क्या, हम रिलायबल इंफॉर्मेशन जहां से भी मिलती है वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, करेक्ट, क्योंकि जितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, Right. तो जो भी कस्टमर क्वेरीज करेगा आपसे, Right. आप इमीडिएट आंसर, जितना आप इमीडिएट क्विक आंसर दोगे ना कस्टमर को, Right. उसका उतना ज्यादा आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, Right. और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो बोलेगा नहीं दिस इज राइट पर्सन बिकॉज ही इज गिविंग मी एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट, सो अगर वो इनडायरेक्टली किसी और को भी फोन करेगा तो आपकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन अगर होगी उसके पास, करेक्ट, तो बोलेगा नहीं ये बंदा ठीक था, परफेक्ट, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आज का कस्टमर खाली मुझे ही कॉल कर रहा है, Sure. वो 10 लोगों को क्लिक कर रहा है लेकिन 10 में से एक ही बंदे को सेव कर रहा है जिसने उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन दी है, वेरी इंटरेस्टिंग, और वही बंदा सक्सेस हुआ है कि उसकी फोन बुक में नंबर सेव करने के लिए, राइट, Right. क्योंकि आज की तारीख में हमें भी 15-20 कॉल तो रोज आती है सबको, Right. लेकिन Right. हम सेव कितनी करते हैं, करेक्ट, या कोई काम का भी फोन वही सेव करते हैं जो हमारे काम का होता है, बिल्कुल, सर कस्टमर को ना आपको समझना यही पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या,
हम क्या करते हैं, हम सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो जो सोशल मीडिया का ज्ञान उठाते हैं ना, एक्चुअली वो ज्ञान ऊपर का ज्ञान होता है, लेकिन हम उसकी जड़ तक नहीं जाते। राइट हम ये नहीं, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं, बस उठाया, फॉरवर्ड किया, इसने किया, उसने किया, इसने किया, ले लिया, अरे व्हाट्सएप पे आया था। ऑथेंटिकेशन नहीं है। राइट 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 हमें ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। Correct. हमें पूरा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, करेक्ट, ये प्रॉब्लम रहने वाली है। रहेगी। हम नहीं हम अगर और हम ये सब करते रहेंगे ना, क्या ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं है तो वो नहीं है, पर ये कस्टमर सब वॉच करता है। Right. ये छोटी छोटी चीजें वॉच करता है। राइट Right. उसको Right. वो चीज चाहिए, उसके पास भी सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है। राइट Right. लेकिन आपसे वो कन्फर्म करना चाहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, ये बंदा ग्राउंड लेवल पे है, इनको लोकल एरिया का पता है, सब इसके पास है, लास्ट दिन सब आता है सारी, लेकिन आप क्योंकि आप प्रैक्टिकल बंदे हो, आप उस फील्ड के मास्टर हो, उनको पता है, तो वो आपसे खाली स्टैम्प करने के लिए आपको कनेक्ट करता है। राइट कि बॉस जो मैंने सुना था वही है। करेक्ट करेक्ट तो इसलिए ब्रोकर वो हाई करना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो सब है, लेकिन उसको फाइनली स्टैम्प कौन करेगा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, और कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप रिलायबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप दोगे। अदरवाइज ठीक है, चल रहे, चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। रियल एस्टेट कोई खाने की बात नहीं, क्या हम जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैसे ही हम ये भी बेच लेंगे? नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं। कंज्यूमर कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट तो फिर भी कहीं ना कहीं आदमी रिपीट कर लेता है। घर तो एक ही बार लेते हैं। बिल्कुल सही बात, एक ही बार लेता है। जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट लेते हैं तो 10 बार उसको इधर उधर करते हैं, वो करते हैं, 10 दुकान जाते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, सब करते हैं, जो कि रिपीट हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है उसकी, इसलिए वो हम ज्यादा नहीं सोचते उसका। करेक्ट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हम नया लेंगे, दूसरा कुछ लेंगे, तब चलेगा। राइट सर, घर एक ही बार, जिसके लिए उसने, उसकी फैमिली ने, उसकी वाइफ ने, उसके पेरेंट्स ने सपना देखा था एक, कि हमारा भी एक घर होगा जिसके अंदर मैं ये करूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे सजाऊंगा। करेक्ट वो ये माइंडसेट लेके मार्केट में उतरता है कि मैं अपने लिए घर ले रहा हूं। सर ये वही माइंडसेट उस कस्टमर के अंदर जो होता है परचेस करने का, और वही माइंडसेट अगर ब्रोकर्स और डेवलपर या सेल्स स्टाफ अगर वो उसके माइंडसेट से अगर सोचते हैं कि नहीं, अपना बंदा ड्रीम पूरा करने आया है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसको सुन लेते हैं हम कि नहीं यार इसको क्या चाहिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, और बेचारे का पैसा, क्योंकि मैं ये बेचारा इसलिए कहूंगा क्योंकि देखिए पैसा सबका इंपॉर्टेंट है, मैं इतना जानता हूँ, पैसा सभी का इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास 10-20-50 करोड़ 1000 करोड़ है तो उसको क्या पड़ी है और मैं अपने लिए, जैसे मुझे अपने 2% ब्रोकरेज की पड़ी है ना, राइट, उसके लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। करेक्ट, कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी ले आता हूँ, कुछ भी करके बस इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। राइट, वो 100% उसका पैसा है। करेक्ट, आपको सोचो कि आप 2% 2% के लिए इतना सोचते हो, तो जिस आदमी का 100% पैसा है, जिसका 100% इन्वॉल्वमेंट है, वो किस लेवल पे अपने आप की सेफ्टी सिक्योरिटी करता होगा। बिल्कुल, सोचने की बात है ये, हमें, हम जब तक ये सोचेंगे नहीं ना कि दूसरे का पैसा 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 नहीं, मेरा पैसा, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। राइट, आप अगर ये नहीं सोच सकते, मतलब सामने वाले के पैसे को हमें मान के चलना है कि हमारा पैसा है, उसके हिसाब से कोई इतनी मेहनत करके लाया है और उसे लगाने वाला है, तो उसके हिसाब से ही। शुभम किसी के फादर ने पूरी जिंदगी पैसा बचाया है। करेक्ट, और घर खरीदा है। करेक्ट, बेटे के लिए। राइट, किसी बेटे ने अपने पेरेंट्स को, जिनके घर में, जिनको घर नहीं था, राइट, पूरी जिंदगी किराए पर बेटा कमा रहा है, और उसने ये सोच के लिया कि कुछ मेरी बचत, कुछ मैं लोन लूंगा, उससे EMI भरूंगा, मेरे पेरेंट्स को अपने घर में रखूंगा। उसका एक सपना होता है कि मेरे पेरेंट्स भी घर में रहें, उनको भी जब वो दुनिया से जाए तो ये कि मेरा बेटा खुश है, आज उसका घर हो गया, आज इसका नौकरी है, अच्छा है, मैं खुश हूँ। उसके कितने सपने होते हैं, उसके बाद वहां तक खत्म नहीं होती कहानी, वहां से फिर स्टार्ट भी होती है कि जो उसने लोन लिया बेचारे ने, वो 20-25 साल लोन EMI भरेगा, और वो EMI भरता है ना जब, तो फिर 20-25 साल सेक्रीफाइस करेगा। करेक्ट, बीवी को, हाँ भाई ये खर्चा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है,
उधर नहीं जाना है या हम इस बार इधर नहीं जाएंगे, नहीं मुझे ईएमआई भरनी है क्योंकि मेरी बैंक की ईएमआई है। करेक्ट करेक्ट। अब उस बेचारे के लिए पहले तो उसके पेरेंट्स ने कमाया कुछ पैसा, उसकी बचत, उसके बाद वो भरेगा। एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है घर में। बिल्कुल सही बात। जिनके घर नहीं है उनसे पूछो। करेक्ट। जिनके पास खुद का घर नहीं है उनसे पूछो कि वो कितना सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और या फिर किसी ने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया है, वो सोच रहे कि नहीं मेरे आने वाली जनरेशन, मेरे आने वाले के लिए मैं दो पैसा सेव कर रहा हूं या उनके लिए सोच रहा हूं, और हम खाली अपने ब्रोकरेज के लिए हम यही कुछ भी बता दें, हाँ ठीक है सर आ जाओ दे देता हूँ, हो जाएगा, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, ये नहीं चलेगा। अब क्वालिफाइड जनरेशन आ रही है। बिल्कुल। और अब वो नहीं सुनेगी एकदम। हमको वो कल्चरल प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ेगी। हम वो कल्चरल प्रैक्टिस में जो बैठे हैं ना पुरानी पद्धति से कि बस हम तो जो कर रहे थे वही सही है, अगर हमने अपने आप को नहीं बदलाना, मैं इतना ही कहूंगा, अगर इस कम्युनिटी ने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, अपने आप को नहीं बदलाना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्लीज चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो, क्योंकि जो इंसान सदैव हमेशा दूसरों में ढूंढता है, उसकी बुरी आदतें ढूंढता है या उसके अवगुण ढूंढता है, उसको ये मान के चलना चाहिए वो सबसे पहले वो खुद गुनहगार है, वो खुद दोषी है। वेरी पावरफुल वर्ड्स। वो खुद दोषी है क्योंकि उसे सब में बुराई दिखती है, उसको पॉजिटिव दिखता ही नहीं उसके अंदर। ये नहीं कि आप बस कंप्लेनिंग करते रहो, कंप्लेनिंग कर ये ऐसा वो ऐसा, कंप्लेन मत करिए। अपने आप को अगर आप अपडेट करते हो ना, अपग्रेड करते हो, इन्फॉर्म्ड करते हो अपने आप को, आपको सब रोज कुछ सीखते रहो। आप एक्चुअली सीख रहे हो, मतलब आप रोज सीख रहे हो, मतलब आप रोज ब्रोकरेज कमा रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप रोज ब्रोकरेज कमा रहे हो लेकिन वो ब्रोकरेज आज नहीं दिख रहा है आपको, हो सकता है right. लेकिन जिस समय आप क्लाइंट के साथ खड़े रहोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, कितने भी बजट का क्लाइंट हो, चाहे 1 करोड़ के लेके 500 करोड़ तक, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि वही वही बंदा देखता है ये क्या, इसकी एक टिप से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या है उसको ये रियलाइज नहीं कराओगे तुम कि मैंने आपको क्यों हायर किया है। शुभम प्रोडक्ट खरीद के पैसा देना और एक सर्विस इंडस्ट्री में आके और सर्विस दे के पैसा लेना, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क है जी। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे इन द सेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब वास्ट एक्सपीरियंस है आपका रियल एस्टेट में, आपकी कोई तो ऐसी पर्सनल स्टोरीज होंगी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सारे गेस्ट्स को पूछता हूँ ये, ठीक है? दो स्टोरीज, एक जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार बहुत सही काम किया मैंने, मैं रियल एस्टेट में आया, कुछ ऐसी कोई एक डील या कोई ऐसा कोई एक स्टोरी जो आपको ये बता दे कि यार मैं बिल्कुल सही इंडस्ट्री में आया हूँ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये कि कोई ऐसा क्लाइंट ऐसा आया हो जिसने आपको मतलब एकदम सा झकझोर दिया कि यार कहाँ फंस गया मैं, रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए था। इसमें से आपको जो कहानी पहले बतानी है बता दीजिए मुझे, बट ये दो आप प्लीज बताइए हमें। जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था, सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको, वो स्टार्ट की जर्नी बहुत बड़ी है राइट, उसके लिए तो मेरे को एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, और जिन किसी साथ मैंने सीखा राइट, मैं उनको आज भी नमन करता हूँ और पूरी जिंदगी नमन करता रहूंगा जिन्होंने मुझे रियल एस्टेट सिखाया। अगर आप उन्हें यहाँ पे ऑन द स्क्रीन थैंक यू करना चाहते तो बिल्कुल, मैं उनको मैं हमेशा करता हूँ, और मेरे लिए क्योंकि मैं दो लोगों की बहुत इज्जत करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, एक तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया राइट, जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, एक मैं उन लोगों को जिनकी वजह से मैं आज ऊपर आया हूँ, जिनकी वजह से मैं कहाँ, मेरे अगर मेरा बैकग्राउंड मुझे ही पता है, मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैंने जिनसे जिनसे कमाना सीखा है जी, जो मेरे इंस्पिरेशन हुए हैं या ये कह दूं कि जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मैं डेफिनेटली उनका जिंदगी भर मरते दम तक उनका एहसानमंद रहूंगा, और जो हमें इस रियल एस्टेट में लेके आया, अब वो आगे सिचुएशन कैसे रही, क्या हम उनको कंटिन्यू कर नहीं पाए, ये सब वक्त की बात होती है ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा उनके लिए मेरे दिल में जगह रहेगी और रहेगी, और वो रखना चाहूंगा। अब ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और कुछ 2-3 साल हुए थे जी, मैंने
स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मेरे फादर उस समय बीमार थे। एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लगा कि रियल एस्टेट में मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, बच्चे छोटे थे, कब की बात थी ये, करीबन 2012 2013 की बात है, 2013 लगभग 10 साल पहले की बात है। मेरे फादर बीमार थे, काफी बीमार थे, 75 इयर्स ओल्ड। उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन वो ट्रीटमेंट करवाया नहीं हुआ, तो मैं उनको यहाँ लेके आया बॉम्बे में, बिकॉज वो हमारे होम टाउन में थे, तो यहाँ लेके आया। तो मैं बोला नहीं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, चाहे वो जिंदगी भर कैसे भी रहे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु जो हो ना जीवन में, तो बड़े अच्छे से हो, मतलब बड़े दिल से मरे कि नहीं यार जिया मैं कैसे भी लेकिन मरूं बड़े अच्छे से। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे आज इवन मेरी मदर जिंदा है, मेरे यही सपने कि उसने जीवन में कितने भी दुख देखे हो, तकलीफ दुख देखे, लेकिन मैं भगवान से ये कहता हूँ प्रभु जीवन उनकी मृत्यु अच्छी राइट, बस बाकी ठीक है जो तूने किया वो तू करेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मेरी तरफ से उनको कितना बेस्ट दे सकूं। सो यही इच्छा थी कि फादर बीमार तो है, बीमारी को हम ले नहीं सकते, हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बस, तो लेकिन मैंने बोला कि दुख कम हो, तकलीफ कम हो उनको फिजिकल। तो मैंने उनको जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जसलोक में चेक करवाया, रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने दो मेजर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, उसका कॉस्टिंग 4.5-5 लाख रुपीज कुछ आया, बताया उन्होंने कि इतना है उस टाइम पे, उस टाइम की बात करूं 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए टेंटेटिव उन्होंने मुझे बजट दिया, काफी बड़ी अमाउंट होगी, बजट दिया। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड है वो साथ में थे, बिकॉज वो ही लेके आए थे यहाँ पे, और अब पैसा जेब में नहीं, ट्रीटमेंट कराना जरूरी, कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ थोड़े बहुत थे, और थोड़े बाकी के मैंने, मेरी वाइफ के कुछ ज्वेलरी पड़ी थी वो मैंने बेच के, और वो पैसा मैंने एक बार टेंटेटिवली अरेंज कर लिया। अब हुआ कि जो मुझे बजट दिया गया उस बजट में, जब क्योंकि जनरली क्या होता है डॉक्टर ऑपरेट करता है तब कुछ और होता है, और चीजें पता चलती, तो मैंने बोला आप कर दीजिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिमाग में यही था कि ऑपरेशन कराना है बस, राइट, टारगेट फोकस क्या था, फादर का ट्रीटमेंट अच्छा हो, राइट, कहां से आएगा क्या आएगा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता था। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन थिएटर में लेके गए, थिएटर में ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक और माइनर ऑपरेशन होगा जो जो जरूरी है इसके साथ, क्योंकि हम जब हम कुछ ओपन करते तो हमें तो उसने कुछ और थोड़ा इंक्रीज किया मेरे ऊपर। तो बोला ठीक है आप कर दीजिए, अभी आपने खोल ही दिया है तब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आधे में छोड़ देना, बिल्कुल राइट। तो बोला ठीक है आप ट्रीटमेंट करिए बाकी छोड़ दीजिए, आप बिलीव नहीं करोगे शुभम, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब आप जैसी सोच रखते हो ना ऊपर वाला आपका साथ देता है। अग्रीड। तो जिस दिन मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उन्हें, ऑपरेशन चल रहा है, आई गॉट वन कॉल, मेरे क्लाइंट का फोन आया कि प्रमोद जो हम ट्रांजेक्शन पे बात कर रहे थे, वी वॉन्ट टू क्लोज दिस टूडे। बोला ठीक है सर मेरा अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो बोले ठीक है प्रमोद यू टेल मी नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसी ऐसी स्थिति है बट मैं आ जाऊंगा। बट मैं कॉन्स्टेंटली मैं दोनों पार्टियों से बातचीत कर ही रहा था फोन के ऊपर, right. और हमने उसी दिन शाम को ट्रांजेक्शन किया, एंड उस ट्रांजेक्शन में ऑलमोस्ट मुझे 12-13 लाख रुपए का ब्रोकरेज आया मुझे उसी दिन, मतलब वो ट्रांजेक्शन कन्फर्म हुआ, आई गॉट 2-3 आफ्टर दैट, बट एक कन्फर्मेशन आ गया और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं। उसके बाद शुभम आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद मैंने बोल दिया मैं रियल एस्टेट कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्योंकि जब ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है इसमें बिल्कुल कि जो मेरी नीड्स है उससे भी मुझे ज्यादा दे सकती है, राइट, तो रियल एस्टेट क्यों छोड़ू भाई। बिल्कुल सही बात। तो फिर मैं उसमें रहा और बस उसी में हूं आज, ये समझ लीजिए आपकी मैं रियल एस्टेट खाता हूँ, रियल एस्टेट सोता हूँ, रियल एस्टेट पीता हूँ, सब कुछ रियल से, मुझे सपने भी रियल एस्टेट से आते हैं। और मेरे जो लास्ट मेरे जो गुरु थे, मेरे जो बहुत सीनियर ऑफिसर थे जहां मैं पहले वर्किंग था कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो मुझे कहते थे प्रमोद जो काम तुम करते हो उसका अगर तुम्हें सपना नहीं आता है ना रात को उसी काम का, तो तुम समझ लेना अभी भी तुम परफेक्ट नहीं हो, जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस नहीं हो। बहुत बहुत बड़ी बात है, तुम फोकस नहीं हो, और जिस दिन तुम्हें तुम्हारे काम के सपने आने लगे, राइट, उस दिन आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, राइट, तब तक आप भटके हुए हो। तो ये चीजें जो थी वो मुझे फोकस में लेके आई,
और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। बहुत ही अमेजिंग। अब आप बताइए कोई ऐसी कहानी आपकी जिसमें आपको बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था, कि ऐसे कगार पे आ गया था कि आपने सोच लिया था कि यार कहां ही फंस गया हूं मैं रियल एस्टेट में, ऐसा कभी नहीं। मैं आपको बताऊं, एक मेरा 2012 का तरीब का कुछ है, तभी मैं एक्चुअली थोड़ा सी रियल एस्टेट में मैच्योर हुआ था उस समय में, क्योंकि 2009 में मैंने स्टार्ट किया था और उसमें थोड़ा मैच्योरिटी मेरे को 12 में ही आई। मतलब आपको 3 साल लगे हैं कंसिस्टेंटली इसको करते करते, तब जाके थोड़ा सा एक मैच्योरिटी सी कह सकते हैं कि थोड़ा समझ आया मार्केट का, अंडरस्टूड कि भाई कैसे होता है, कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जी, बट ये इतना पता था कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपरेटिव मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी में 10 साल में वर्क कर चुका था और मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया था और माइक्रो फाइनेंस पे काम किया था। तो मुझे इतना तो पता था कि सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है और इन्वेस्टमेंट किसी और का, आप उस इन्वेस्टमेंट में से आप अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, ये मैंने वहां सीखा था। तो वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत काम आया यहाँ पे। एक सडन ही हुआ मेरा, सडन मतलब समझिए कि सडन ही मुझे इस इंडस्ट्री में आना पड़ा। मैंने 5 दिन के अंदर रेजिग्नेशन दिया अपनी जॉब का। अच्छा, जो शायद कोई नहीं देते हैं, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं उस जॉब के लिए। अच्छा। और सालों वेट करते हैं कि मैं इस जगह पे रहूंगा। एज ए ब्रांच हेड मैंने रिजाइन दिया था वहां से, एंड देन मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं करना बिकॉज मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मैं कुछ कर सकूं, जहां मुझे कुछ अपना दिखाने के लिए मिले। राइट, तो ठीक है आ गया। लेकिन 2012 में मैंने काफी, चूंकि थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कोरियंस। लीजिंग मेरा काफी कोर बिजनेस था उस समय में। एक लीजिंग ही ऐसा था जो आदमी घर लेता ही लेता है, राइट, सेल में तो फिर भी थोड़ा वेट कर लेता है, तो रेंटल तो उसको चाहिए, तो वो शॉर्ट शॉर्ट होता है कि भाई आप इसमें मेहनत करोगे आपको मिल जाएगा। राइट, तो रेंटल पे मैंने शुरू से फोकस किया, सेल तो बाद में धीरे धीरे बढ़ा आगे। लेकिन जब रेंटल पे चालू किया तो थोड़ी मैच्योरिटी आती है, तो आपको लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा अब काम करने जैसा है, काम कर रहा है मार्केट में, थोड़ा सा ब्रांड आ गया। स्मार्ट का मैंने मेंबरशिप के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ आई कैन बिकम ए स्मार्ट मेंबर। अमेजिंग। और ठीक है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंबरशिप रिजेक्ट हो गया था और आज मैं स्मार्ट को हेड कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था क्योंकि ठीक है, बिकॉज होता है आपको बिना बिना प्रॉब्लम्स के किसी को सक्सेस नहीं हुई है। Absolutely. तो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस फेस करते रहिए, रास्ता अपने आप क्लियर होगा। तो मैं फेस करने में, अब तो प्रॉब्लम्स को मैं ये कहता हूँ कि आओ मेरे पास कितनी आ सकती हो, क्या मैं तुमको फेस करके दिखाता हूँ। क्या बात है। इसलिए मैं नहीं डरता प्रॉब्लम से, मैं नहीं डरता। okay. मैं फेस करना ज्यादा पसंद करता हूँ, उसमें उलझने से अच्छा है उसको फेस करूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो मैंने 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, तो कोरियंस फैमिली थी, एक्सपेक्ट जो होते हैं ना, फॉरेनर जो होते हैं वो बहुत बहुत पंक्चुअल होते हैं और बहुत मतलब पर्टिकुलर बहुत होते हैं, और वो बिलीव करते हैं इसमें कि जो आपने कहा वो करोगे। करेक्ट। उनकी सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है मालूम, और हमारी उल्टी है यहाँ पे, वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग। या वो बोलते कम है, बात कम करते हैं, मिलते कम है आपसे, लेकिन जो भी करते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं आपके साथ। राइट। वो डॉक्यूमेंट इसीलिए करते हैं कि जो मैंने कहा वो कंफर्म, जो आपने कहा वो कंफर्म, इससे बाहर हम बात नहीं करेंगे, तुम भी इससे बाहर बाहर मत कर। ये उनकी, और कोरियंस आर फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम साउथ कोरियंस है ज्यादातर यहाँ पे, तो कोरियंस यहाँ पे उस समय में काफी आए थे, बिकॉज वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोरिया की। तो एक सीनियर बंदे को मैं घर दे रहा था, तो सामने ब्रोकर्स था एक मेरे, और एक मेरे सामने ओनर्स उनके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे टर्म्स कंफर्म हो गए कि भाई उनको क्या देना है, क्योंकि मुझे फुल्ली फर्निश करके घर देना था उनका। बजट उनका 2.5 लाख रुपीज था। okay. तो सारा कुछ हो गया, लिस्ट कंफर्म हो गई, सब कुछ हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। ऑन द डे ऑफ पजेशन जब उसने फ्लैट में आया, तो उसने एक चीज मिस पाई, वो ये थी कि ओनर को एक नया फ्रिज देना था उसकी साइज का जो भी है। तो ओनर ने क्या किया, वो फ्रिज कहीं से पुराना लाके डाल दिया। ये बात मुझे इनडायरेक्टली पता थी ब्रोकर के थ्रू कि प्रमोद वो ये ऐसा है वैसा दिया, अगर वो उसको नहीं चलेगा ना तो ओनर बाद में बदली कर देगा, लेकिन एक बार चलता है तो ठीक है। मतलब देखो मुझे ये नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं,
और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बट कभी कभी हम क्या है, हमारी भी ब्रोकर्स की बड़ी गंदी आदत, हम ओवर कमिट कर देते सब, या हम चला लेंगे यार, देख लेंगे, राइट, ये सब नहीं चलता है। स्पेशली इफ समवन इज पेइंग यू, कोई आपको सर्विस इंडस्ट्री के लिए पैसा दे रहा है, शुभम बहुत बड़ी बात है, प्रोडक्ट का पैसा लेना और देना एक अलग चीज है, लेकिन एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए तुम किसी को कोई 1000 के प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए डिलीवरी के देते हो ना, तो वो आपको दुखता है एकदम, इतना दुखता है, वो 1000 नहीं दुखता है, कंपनी वाले ने आपको कैसे भी बना के ले लिया, कुछ भी दे दिया, वो बात अलग है, वो आपका माइंड सेट है, लेकिन ऊपर जो 100 रुपीज देना होता है ना डिलीवरी चार्ज का, वो चुपता है, वो चुपता है बहुत बार बार, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं, राइट सर, ये हर कंज्यूमर के दिमाग में है। करेक्ट करेक्ट। अब सामने वाला बंदा आपको अगर 2.5 लाख रुपए दे रहा है, क्यों वो कॉम्प्रोमाइज करेगा आपके साथ? अब वो फ्रिज पजेशन के दिन आया, उसने क्लियरली बोला, उसने देखा, ही सेड नो नो दिस इज नॉट, वो ज्यादा बोलती नहीं है, वो सीधा उसको ना मींस ना, मिस्टर व्यास सी ओवर कॉन्ट्रैक्ट, मेंशन एवरीथिंग न्यू विल बी प्रोवाइडेड, राइट, व्हाई दिस रेफ्रिजरेटर इज सो, आई डोंट वांट, आई सेड ओनर इज सेइंग सो एंड सो लाइक दिस, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड बट व्हाट ही रिटर्न, आई विल प्रोवाइड न्यू, मैं सब नया दूंगा आपको। करेक्ट। उसने लिखा है, जो उसने लिखा है मैंने फॉलो किया। करेक्ट। अब जो मैंने लिखा उसको फॉलो करना है, दिस इज आई एम सेइंग, एब्सोल्युटली, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, you I am going to cancel, tell him to refund my money and we will call off this. It is not, I am going to stay here 3 years, right, it's not about the fridge. Correct. Bolta fridge ki problem nahi hai meri, meri problem yahan pe ki fridge to main aaj manage kar lunga, kal mujhe aur si cheeze manage karni padegi. Correct. Isliye main chahta hu ki aap please isko change kariye, aur nahi to ab owner ka ego khada ho gaya wahan pe. नहीं नहीं ऐसे कैसे बात कर रहा है, ये क्या है, मैंने उसको 10 करोड़ का घर दे दिया और वो उसको मेरे उसकी वैल्यू नहीं है जबान की, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खाली मेरे क्लाइंट को इतना ही बोला, गिव मी 2 डेज, राइट, ओनली 2 डेज फॉर मी, आई विल शॉर्ट इट आउट। ओके शुभम, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन उठा मैं, उसी समय वहां से गाड़ी उठाया मैंने और सीधा गया विजय सेल्स प्रभा देवी, जो फ्रिज उसको चाहिए था कन्फर्म किया, पैसा दिया विजय सेल्स को, मैंने बोला अभी का भी डिलीवर कर, बोले नहीं सर गोडाउन में है, मैं कल सुबह तक दे दूंगा, इमीडिएटली दूसरे दिन उसके फ्लैट में मैंने फ्रिज पहुंचाया, आई पेड 45,000 कैश टू द विजय सेल्स, बोला नहीं आप भेज दीजिए, 2 दिन के बाद पुराना फ्रिज उठाने के लिए बोल दिया, मैंने सर आप उठा लीजिए, क्लाइंट को मेरे को मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने वो इतना ही बोला कि सर द न्यू फ्रिज इज कमिंग देयर, so you just take it, I will come there for that, the time of installation, fridge install करवाया, पुराना डलवाया, and वो बहुत खुश, वो कोरियर इतना खुश कि उसने expect नहीं किया था, right, कि इतना जल्दी आ जाए, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, कि इंडियंस कमिट तो कर देते हैं, राइट, लेकिन फिर फुलफिल नहीं कर पाते, करेक्ट, तो वहां पे उनका एक कम्फर्ट लेवल कम रहता है, जो आज भी मेंटेन है, वो इसलिए थोड़ा सा जिग-जिग करते हैं वो, और थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं अपने से, वही कारण है, पर ज्यादातर एक्सपेक्ट जो फॉरेनर्स हैं वो ओनर से बात नहीं करते डायरेक्टली, वो ब्रोकर्स इसीलिए रखते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बना रहे ओनर के साथ, क्योंकि मैं उनके साथ लॉन्ग टाइम रहना है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए इसलिए वो ये हायर करते हैं ज्यादातर, आप जो भी, और वो जब तक रहेंगे वो कभी ओनर को नहीं बोलेंगे, परफेक्ट, वो हमें ही बोलेंगे, this is the problem we are facing, you sort it out, I don't want to talk to owner, so वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको चार्ज दिया है, करेक्ट करेक्ट, तो आप ये कम से कम देखिए, ये नहीं कहते हैं कि आप पैसे दीजिए, तो इतना ही बोलते हैं कि you just manage it, take it, right, and follow if anything is there. आपने जो बोला है प्रमोद जी, to sum up the entire thing, I think दो important messages जो पूरे इस podcast से निकल के आ रहे हैं मेरे सामने, पहला to all the people who are watching us, कि डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, हमें डॉक्यूमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हर एक चीज को, एंड जो डॉक्यूमेंट किया है, जो हमने कमिटमेंट की है, उस पर हमें स्टे करना है, बिकॉज अब वो जमाना गया कि कैसे भी काम चलो हो गया, देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो 2012 की बात थी जो आपने बताई कोरियंस की, बट आज हमारे जो इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, दे हैव ऑल्सो बिकम दैट अवेयर, दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द वैल्यू केयर, This is what we are putting, and this is the returns that we are expecting. Right? और सबसे बड़ी बात उसमें interesting क्या निकल के आया कि जिस दिन मैंने उसको ये furniture दिया है, उसको मैंने उस समय नहीं बताया, 2 दिन के बाद मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसी है, एक owner के साथ तू अभी रहने दे, तेरा काम हो गया है,
बट ये फ्रिज मैंने लिया है, मैंने दिया है, और ये जब तू चला जाएगा ना तभी मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैंने ओनर को भी यही बोला कि अगर तेरे को नहीं, तेरे को जब तक तू रहता रहेगा ये फ्रिज मैं वापस ले लूंगा आपसे, तब तक आप यूज करो इसको। परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद शुभम बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने मुझे अपनी अपनी कंपनी में चार लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, सीनियर लोगों से। क्या बात है। उससे उसके बाद मैंने विद इन 4-5 महीने के पीरियड में नई नई करके 10-12 लाख रुपए का ब्रोकरेज। क्या बात, अमेजिंग। तो इसमें यही है मेरा एक ही मैसेज है अपने लोगों को, वही बोलो जो कर सकते हो। राइट, अपना दिमाग मत लगाओ, जो जहां हो आप अगर फैसिलिटेट करते हो तो फैसिलिटेट ही करिए। ओनर, ब्रोकर, क्लाइंट, कस्टमर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट बनने की कोशिश मत करिए, आप वही रहिए बस। ब्रिलियंट, वही रहिए, मेरा इतना ही मैसेज है आपको कि प्लीज, लेकिन आपका जो काम है वो करिए, जिस काम के लिए आप हो, जो आपका जो मेन है कि मेरा काम क्या है, मुझे कनेक्ट करना। आपको बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन दूसरे साइड से आपको बिल्डर बनना है। आपका रोल क्या है? आपका रोल है बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, राइट? सो यू आर द बिल्डर ऑफ द ट्रस्ट, राइट? आपका रोल ही यही है, क्लाइंट और पार्टी के बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, आप उसको कैसे ट्रस्ट को बिल्ड करवा सकते हो, right. क्योंकि जो कुछ है वो बीच में एक यही एक चीज दीवार है जो है, बस वो दीवार आपने, और वो दीवार ट्रस्ट से ही टूटेगी। बिल्कुल, जिस दिन वो ट्रस्ट दीवार टूटेगी, शुभम हम एक ना अननोन अदर देन फैमिली, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे के साथ भी रिश्ता करके घर बसा लेते हैं, right. और पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, वो है क्या एक्चुअली ट्रस्ट? रियल एस्टेट में कितनी भी टेक्नोलॉजी लिया हो सब ठीक है, क्योंकि समय के साथ चलना है, कहीं से भी कुछ भी डेटा लिया हो, लीकेज डेटा लिया हो, वहां से डेटा खरीद लिया, इससे खरीद लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, आपके पास सब कुछ है क्लोजिंग के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा उसमें। उसमें तो ना तो AI काम करेगी, ना कोई मशीनरी काम करेगी, उसमें तो वही आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपका इन्फॉर्म मैसेज। आप ये सोच के काम करोगे कि शुभम घर नहीं ले रहा है, मैं ले रहा हूं, राइट? अब मैं अगर अपने लिए घर लेता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? करेक्ट। अगर मैं उस तक नीचे चला जाऊं, उतना डीप चला जाऊं, राइट, कस्टमर आपको घर पे बुला के ब्रोकरेज देगा सामने से। बिल्कुल। और मेरे ऐसे बैड एक्सपीरियंस बहुत कम हुए कि जिन्होंने मेरा ब्रोकरेज नहीं दिया हो, एक दो हैं जिनके साथ मैंने काम करना बंद कर दिया। जो मेरी वैल्यू करता है, जो कस्टमर मेरी वैल्यू समझता है, मैं उसके साथ काम करता हूं। जो मेरी वैल्यू नहीं समझता है वो आपकी क्या वैल्यू करेगा? किसी की वैल्यू नहीं करेगा। जिसको सामने वाले की सर्विस की वैल्यू नहीं है, उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है, जिसका फोकस खाली यही है कि मुझे भी अच्छी डील मिल जाए और मैं उसके ब्रोकरेज में से भी कुछ रख लूं, ऐसा पैसा आपके काम का नहीं है। वेरी वेरी वैलिड प्रमोद जी, बट विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, है ना। आपसे मुझे बात करके इतना कुछ सीखने को मिला। मैं जब भी मेरे कोई भी गेस्ट आते ना, मैं हर पॉडकास्ट में यही कहता हूँ मेरे गेस्ट को कि जब हम मिलते हैं किसी से तो हम नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और जो हम उसमें सीखते हैं, जो चीजें सीखने को मिलती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। ठीक है, आप अपग्रेड तो करना बहुत जरूरी है, अपस्किल करना भी बहुत जरूरी है, बट एक ये जो पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस और ये विचारों का आदान प्रदान जो है, इससे जो ग्रोथ मिलती है वो अलग लेवल होती है। एंड आई एम सो ऑनर्ड, आई एम फीलिंग सो थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए, आपने टाइम निकाला। आई एम सो थैंकफुल टू यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस, थैंक यू सो मच। आपका बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि जो मेरे अंदर है वो कैसे निकालूं बाहर। बिल्कुल, हो सकता है मेरी वजह से किसी का फायदा हो जावे, और काफी नए नए जनरेशन इसमें एंट्री करी है, राइट? उन्हें बेचारों के ऊपर प्रेशर है, नंबर्स का प्रेशर है उनके ऊपर, ट्रांजेक्शन क्लोज करने का, राइट? मैं तो इन शॉर्ट ये कहूंगा कि सीखते रहिए। बिल्कुल सही बात, सीखते रहिए, सीखते रहिए, और ये कभी खत्म नहीं होगा। परफेक्ट, ये कभी खत्म नहीं होगा। गाइस, विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपके व्यूज कमेंट्स में लिख के हमें बताइए, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड प्लीज मेक श्योर टू फॉलो प्रमोद जी, बिकॉज उनके पास बहुत बहुत ज्ञान है, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली सेशन दैट वी विल बी डूइंग विद हिम।
हम इनको बार बार बुलाते रहेंगे, तो प्लीज लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट इट. विल कम विद अनदर एपिसोड वेरी वेरी सून, अनदर गेस्ट, अनदर ब्रोकरप्रेन्योर. प्रमोद जी थैंक यू सो मच, बहुत ही सही बताया.